हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे आर मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि मेरे जितने भी लेसन प्लान हैं और जितनी भी बीएड की फाइलें हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है द फाउंटेन, जो कि क्लास 10th की पोएट्री है, पोएम है। तो गाइस, ये जो आज का टॉपिक है ये आज मैं कवर करने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप मेरी और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आप मेरी इंग्लिश के लेसन प्लान्स देख लीजिएगा। मैंने 18 से 19 लेसन प्लान इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिए हैं और ज्योग्राफी के 18 से 19 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। गाइस, मैंने बीएड की और भी फाइल्स, प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करा दी है। आप उसे देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो गाइस, चलिए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लेसन प्लान हमारा ये आज का 19 है, 18 लेसन प्लान मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको और टॉपिक है आज का द फाउंटेन। तो गाइस, आप पहले देख लीजिए इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। इसका फॉर्मेट गाइस इस तरीके से बनाएंगे, आप लाइंस वगैरह इसी तरीके से आप खींचेंगे। और यहां पर आके आपका लेसन प्लान एंड होता है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आप लेसन प्लान 19 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस भी स्कूल में लगी होगी आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, बंसराज स्मारक आदर्श शिक्षण संस्थान। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ प्यूपल टीचर। प्यूपल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, मतलब आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखेंगे। यहाँ पर डेट में आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप उस डेट को लिख दीजिएगा। फिर क्लास यहाँ पर 10th, क्योंकि 10th जो है ये टॉपिक इसी क्लास का है तो आप यहाँ पर 10th लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, सब सब्जेक्ट में यहाँ पे पोएट्री होगा, अगर आप प्रोज पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रोज लिखेंगे। इसके बाद पीरियड होगा, उसके बाद ड्यूरेशन होगा। ये करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे टॉपिक। टॉपिक मतलब होता है जो आपका आज का टॉपिक है, जो भी प्रकरण है आपका द फाउंटेन, ये आपकी पोयम है क्लास 10th की। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गाइस आएगा जनरल एम्स। जनरल एम्स क्या होता है? आपका सामान्य उद्देश्य, आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं वही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस वाले लेसन प्लान में 6 पॉइंट लिखा हुआ है, और भी आप वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, उसमें आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोयम, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोएट्री या लेसन, टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द रिदम एंड द स्टाइल ऑफ द पोएट्री। Enable the students to understand the thoughts contained in the poetry to develop their power of expression. तो यहाँ तक आप 6 points लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है specific aim। Guys, specific aim क्या होता है? आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है, मतलब जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं द फाउंटेन। द फाउंटेन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बच्चों में ये चीजें डेवलप कर पाएंगे, वही होता है आपका स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम के अंडर में आपके 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो इसमें आप 2-2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक एम में आता है आपका फर्स्ट नॉलेजिकल ऑफ एम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू इनेबल देम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोयम द फाउंटेन। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा टू इनेबल देम टू एंजॉय द रिदम एंड द स्टाइल ऑफ द पोयम द फाउंटेन। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल ऑफ एम, टू इनेबल देम टू अप्रिशिएट द रिदम एंड द स्टाइल ऑफ द पोयम द फाउंटेन, टू इनेबल द इमेजिनेशन ऑफ द पोयम इन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका इमोशनल ऑफ एम। इमोशनल ऑफ एम में टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द आइडिया एक्सप्रेशन इन द पोयम द फाउंटेन। नेक्स्ट आपका होता है
प्रीवियस नॉलेज का, प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है पूर्व ज्ञान। आप जब बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो आप हमेशा उसको पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं। तो यही होता है आपका प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द पोयम द फाउंटेन। इसके बाद आपका आएगा, देन आपका आता है मटेरियल एड्स, मीन्स ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट, मीन्स होता है कक्षा अनुपयोगी जो सामग्री होती है, जैसे कि आप अपने साथ चौक ले जाते हैं, डस्टर ले जाते हैं, तो यही सब चीजें होती हैं आपकी मटेरियल एड्स जो कि इसमें ऐड होती हैं। नेक्स्ट आपका होता है इंट्रोडक्शन। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना होता है ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाए और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ सके। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन होगा, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज होगी, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज होगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, तो बच्चे आंसर देंगे, डेली रूटीन वर्क बताएंगे अपना, फिर मॉर्निंग वॉक बताएंगे। इसके बाद आप कहेंगे वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, देन बच्चे आंसर देंगे पार्क, बीच, इटीसी, इस तरीके से आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू सी इन द पार्क, तो बच्चे आंसर देंगे फ्लावर, ट्रीज, फाउंटेन, इटीसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट पार्क, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पर देखिए अभी आपका प्रॉब्लमेटिक आ गया है, इसके बाद आप बोलेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग पोयम द फाउंटेन। नेक्स्ट आपका होता है प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो आप स्टैंजा पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पर आप इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, इनटू द शाइन से आप ब्लो तक यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देन आपका आता है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होता है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रिदम एंड स्टाइल। आप सही प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम के साथ आप उस स्टैंजा को पढ़ के सुनाएंगे, रीड करके बच्चों को सुनाएंगे, देन बच्चे उस चीज को इमिटेट करेंगे, आपका अनुकरण करते हैं बच्चे। तो आप यहाँ पर पढ़ के सुना दिए, इसके बच्चे खुद से यहाँ पर पढ़ेंगे, स्टूडेंट विल रीड द स्टैंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रिदम एंड स्टाइल, यहाँ पर ये होगा। इसके बाद आपका आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ये क्या होता है, स्टैंजा में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सनशाइन हो गया, लीपिंग हो गया, फ्लैशिंग हो गया, फिर वाइटर हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे। प्रोनाउंसिएशन लिखने के बाद यहाँ पर आप मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, उसका मीनिंग लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। देन आपका होता है एक्सप्लेनेशन। आपने क्या क्या किया, आपने प्रोनाउंसिएशन बता दी और आपने वर्ड मीनिंग बता दिया, इसके बाद आप यहाँ पर उस स्टैंजा को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा ऑफ द पोयम द फाउंटेन। आप यहाँ पर उस पोयम की स्टैंजा को रीड करके एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट साइलेंट रीडिंग। अभी भी आपने जो एक्सप्लेन किया है बच्चे उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस स्टैंजा की मीनिंग क्या है। द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। देन आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन क्या होता है, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज और स्टूडेंट एक्टिविटीज। ये क्या होता है, आपका आपने जो स्टैंजा पढ़ाया है उस स्टैंजा में से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों को इवेल्युएट करते हैं कि बच्चों को समझ में आ गया है या अभी तक नहीं आया है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा इन विच लाइट इट्स लाइटिंग, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। हाउ इज द लाइट ऑफ मून, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। हाउ इज द विंड लुकिंग। देन आपका आता है एप्रिसिएशन क्वेश्चन, विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि आप उनको एक्सप्लेन करके बताए हैं, बाकी हर चीज आप उनको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन आपका होता है विच इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द स्टैंजा, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे सिमिली।
देन आपका आता है होमवर्क। होमवर्क आप यहाँ पर दे देंगे आप लर्न द पोएम। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप कि गाइज ये आपके लिए काफी इजी रहा होगा, काफी आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको किस तरीके से लेसन प्लान बनाना होता है पोएट्री का। तो गाइज अगर आपको किसी टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा क्लास एंड टॉपिक के साथ और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो मेरा समझ में आ गया हो, पसंद आया हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो गाइज चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video.